ये स्वरूप राज के पिता है, वही स्वरूप जिसने यौन शोषण के आरोप लगने के बाद खुदकुशी कर ली थी। परिवार ने सुसाइड नोट के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई। आरोप लगाने वाले दोनों लड़कियों समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद FIR कराई गई। लेकिन इंसाफ की आस में 2 महीने बीतने को हैं और दिन बीतने के साथ उम्मीद भी टूटती जा रही है। कोर्ट में क्या है कि उन लोग ने इंटरिम बेल ले लिया जी, वो उधर उतना उधर तक टाइम दे दिया पुलिस ने उनका। पुलिस पूरे कंपनी की तरफ उन लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसा फील करते हैं हम, हमें कोई न्याय मिलने का कोई चांस ही नहीं। बुजुर्ग पिता को अभी भी विश्वास नहीं होता कि उनका होनहार बेटा अब उनके बीच नहीं है। इतनी कम उम्र में एक बड़ी कंपनी में एक अच्छा खासा औहदा, पिता की माने तो बेटे की तरक्की ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। स्वरूप और उनकी पत्नी दोनों जेनपैक में ही एक साथ काम करते थे। 18 दिसंबर को कंपनी ने यौन शोषण के आरोपों पर स्वरूप को सस्पेंड कर दिया था और उसी दिन स्वरूप ने अपने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। अब परिवार का सवाल है कि क्यों पुलिस अब तक स्टेटमेंट नहीं ले सकी, क्या कोई जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। स्वरूप को सुसाइड करना पड़ा उस दिन, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि क्या मीटू मूवमेंट का गलत इस्तेमाल हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो कंप्लेंट के बाद इस तरह का बैकलैश या अगर इस तरह का एक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके लिए कौन, आखिर जवाबदारी किसकी होगी, ये यहाँ पर अहम सवाल खड़ा हो रहा है।